हेलो फ्रेंड्स, आई एम सीए परीक्षित बता दे। मैं आप सबका बैंक ऑडिट सीरीज में स्वागत करता हूँ। जैसे ही अब ये बैंक ऑडिट सीजन शुरू हुआ है, नाउ द सेकंड फेज ऑफ द बैंक ऑडिट हैज बीन स्टार्टेड। कुछ बैंकों ने अपॉइंटमेंट लेटर ऑडिटर को इश्यू कर दिया है, कुछ बैंक आने वाले 1 या 2 दिन में अपॉइंटमेंट लेटर इशू करेंगे। सो बिंग ऑडिटर, अभी अपने को क्या क्या प्रिकॉशन लेनी है या फिर किस तरह से एक्शन लेनी है अपॉइंटमेंट लेटर आने के बाद, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि अपॉइंटमेंट के साथ में आपको क्या क्या चीजें करनी है। सबसे पहले जब बैंक हेड ऑफिस या फिर रीजनल ऑफिस या फिर सर्कल ऑफिस, यहां से अपॉइंटमेंट आती है। कुछ बैंक की अपॉइंटमेंट आती है डायरेक्टली आपके हेड ऑफिस से, तो कुछ बैंक कम्युनिकेट करती है थ्रू देयर जोनल ऑफिस या फिर रीजनल ऑफिस। तो आपको कहाँ से अपॉइंटमेंट आ रही है वो सबसे पहले भाई इंपॉर्टेंट बात है। देन अपॉइंटमेंट लेटर में 2 चीजें मेंशन होती है। एक, आपको कौन सी ब्रांच अलोकेट है। सेकंड वन, उसकी एडवांसेस की अमाउंट्स कितनी है, और इसी के साथ में वो ब्रांच कौन से सेंट्रल ऑडिटर के जोन में आने वाली है। मीनिंग दैट सेंट्रल जो बैंक होती है उसके सेंट्रल ऑडिटर्स अपॉइंट्स होते हैं, सेंट्रल ऑडिटर्स जोन वाइज डिवाइड हो जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर ब्रांच आपको जो ऑडिट करनी है, इसका रिपोर्टिंग कौन से सेंट्रल ऑडिटर को करना है वो नाम मेंशन होगा। इसके साथ में आपको उस ब्रांच के प्रीवियस ऑडिटर के कम्युनिकेशन डिटेल्स भी होंगे। नाउ ये सब इंफॉर्मेशन के साथ में बैंक आपसे मंगाती है एक्सेप्टेंस लेटर। एक्सेप्टेंस लेटर के साथ में वो डिक्लेरेशंस और अंडरटेकिंग भी मंगाती है कि आपको कोई आपका डेट बाकी है क्या, आपको फिडेलिटी और सिक्रेसी का डिक्लेरेशन फाइल करना है। इसी के साथ में अंडरटेकिंग देना है आपको कि आप ये असाइनमेंट किसी दूसरे को सब कॉन्ट्रैक्ट नहीं करेंगे। तो इन नटशेल, आपको जब अपॉइंटमेंट लेटर आता है तो आपको उसका एक्सेप्टेंस लेटर देना है। एक्सेप्टेंस लेटर के साथ में आपको डिक्लेरेशन देना है। डिक्लेरेशन के साथ में आपको अंडरटेकिंग्स भी देने हैं अलग अलग। कुछ बैंक इसमें जब अपॉइंटमेंट देती है तब आपको लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन का फॉर्मेट भी देती है। सो व्हाट इज द लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन? जब भी आप ब्रांच को भेज कम्युनिकेट करेंगे तो आपके बिहाफ पे कौन सीनियर पर्सन वहां पे जाने वाला है और कौन कौन सी ऑडिट टीम जाने वाली है, उनके फेवर में आपको देना है लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन। और लेटर ऑफ इंट्रोडक्शन एड्रेस होगा ब्रांच मैनेजर के लिए। सो एज अ ऑडिटर्स पॉइंट ऑफ व्यू, दिस डॉक्यूमेंट हैज बीन कॉल्ड बाय द हेड ऑफिस और द बैंक। एज फार एज द ऑडिटर इज कंसर्न, आपको इनके साथ में कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट करना है, जस्ट लाइक ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। सो ऑडिट एंगेजमेंट लेटर क्या होता है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर के फॉर्मेट्स क्या क्या हैं, वो क्यों इश्यू करने चाहिए, इसके लिए मैं अगला वीडियो ला रहा हूँ। बट आपको ये याद रखना है कि आप जब भी एक्सेप्टेंस दे रहे हो, एक्सेप्टेंस के साथ में आपको क्या देना है, ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। और ऑडिट एंगेजमेंट लेटर इश्यू करने के बाद आपको नेक्स्ट लेवल करना है, एनओसी इश्यू करना है प्रीवियस ऑडिटर को। एनओसी इज अ कंपल्सरी बाय द आईसीआई। तो इवन दो इट इज अ बैंक ऑडिट, अलॉटमेंट हैज बीन डन बाय द आरबीआई और द बैंक्स, बट एनओसी कंपलसरी है। तो आपको एक्सेप्टेंस लेटर के साथ में जो बैंक की फॉर्मेलिटीज आप कर रहे हो उसी के साथ में आपको इशू करना है ऑडिट एंगेजमेंट लेटर, एज वेल एज आपको इशू करना है एनओसी टू द प्रीवियस ऑडिटर। सो फ्रेंड्स, दिस इज ऑल अबाउट द एक्सेप्टेंस ऑफ द अपॉइंटमेंट। प्लीज स्टे ट्यून टू अवर न्यू वीडियोज, नेक्स्ट वीडियोज फॉर द ऑडिट एंगेजमेंट लेटर। देन फर्दर नेक्स्ट वन वॉज ऑडिट रिक्वायरमेंट लेटर। सो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग दिस माई बैंक ऑडिट सीरीज। अगर आपने अभी तक बैंक ऑडिट सीरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द बैंक ऑडिट चैनल। उसमें बैंक ऑडिट को स्टार्ट से लेके एंड तक किस तरह से कंक्लूड करना है उसमें सारे वीडियोज में मेंशन कर रहा हूँ। सो थैंक यू वेरी मच।